उन्नाव जिले में कानपुर की डांसर से कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने 3 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। उसने बताया कि उन्नाव की जाजमऊ चौकी इलाके में उसके साथ यह घटना घटी, लेकिन जब वह चौकी पहुंची तो वहां के पुलिस वालों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक उन्नाव के गंगा घाट इलाके में 3 आरोपियों ने कानपुर की रहने वाली एक डांसर लड़की को बर्थडे पार्टी में बुलाया। पीड़िता का आरोप है कि जब वह बर्थडे पार्टी में पहुंची तो वहां कार में बैठे 3 लोगों ने उसको जबरदस्ती कार में खींच लिया और उसके बाद उसे मारते हुए जंगल में ले गई। तीनों ने जंगल में उसके साथ रेप किया। इस दौरान आरोपियों ने उसके मुंह में जबरदस्ती शराब की बोतल लगा दी। पीड़िता के मुताबिक रेप करने के बाद तीनों आरोपियों ने उसे सड़क पर छोड़ दिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक तीनों आरोपियों में से एक लड़के का नाम संजय है, इसलिए उसने संजय और उसके साथियों के नाम FIR दर्ज कराई है। CO आशुतोष खुद गुरुवार 16 फरवरी की रात को मामले की जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची। CO का कहना है कि लड़की की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ रेप की FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।